दोस्तों यदि आप एक सीएससी वेली हैं और आप बैंक से वीसी लेकर बैंकिंग सेक्टर में कार्य करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बैंक बीसी के लिए यहां पर आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट चाहिए। दोस्तों आईआईबीएफ सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से आईआईबीएफ के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा। जब अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपका एग्जाम होगा तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वह सर्टिफिकेट कैसा होता है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से आईआईबीएफ के लिए कैसे अप्लाई कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करने के बाद देखिए आपको यहां से सर्च कर लेना है एग्जाम दोस्तों। जैसे ही आप यहां पे एग्जाम सर्च करेंगे तो इस प्रकार से ये ऑप्शन खुल के आएंगे। इन ऑप्शन में से आपको यहां थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहां से आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहां फर्स्ट नेम में मिस्टर मिसेज जो भी डॉक्टर प्रोफेसर जो भी आप लगाते हैं आपको चुन लेना है। मैं यहां पर मिस्टर चुन लेता हूं। इसके बाद यहां पे आपको अपना फर्स्ट नेम चुन लेना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो यहां पे डालेंगे। इसके बाद यहां पे लास्ट नेम, जैसे मेरा नाम है राजीव कुमार ब्रजवाल तो मैं यहां पे राजीव टाइप करूंगा, यहां पे कुमार और यहां पे ब्रजवाल, ठीक है। अगर आपका सिंगल नेम है तो आपको यहां फर्स्ट नेम में ही टाइप कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको अपना एड्रेस देना है। यहां पे आप अपने विलेज का नेम, जिस विलेज में रहते हैं अपने गांव का नाम यहां पे आपको एंटर कर लेना है। पोस्ट नेम यहां पर एंटर करेंगे, ठीक है। यहां पे तहसील थाना, आप चाहे तो ये फोर्थ लाइन जो है इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों यहां पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट नेम देना है, जो भी जिला आपका लगता है आपको अपना यहां पे जिले का नेम टाइप कर लेना है। इसके बाद यहां पे तहसील नेम टाइप करेंगे, ठीक है। यहां से आपको अपना स्टेट चुन लेना है। यहां पे आपको अपना पिन कोड नंबर दे देना है। यहां से डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपनी जन्मतिथि यहां से चुन लेनी है। इसके बाद जेंडर में मेल फीमेल, ठीक है, जो भी है आप चुनेंगे। यहां से क्वालिफिकेशन चुन लेनी है। दोस्तों यहां पर कुछ दोस्त गलतियां करते हैं। देखिए अगर आप ग्रेजुएशन से नीचे हैं, आपने हाई स्कूल इंटर किया हुआ है तो आप अंडर ग्रेजुएट चुनेंगे, ठीक है। अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम जो भी किया है ग्रेजुएट चुनेंगे। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ाई कर चुके हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट चुन लेना है। और मान लीजिए आपने हाई स्कूल इंटर किया हुआ है तो आपको यहां टिक कर लेना है। उसके बाद अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आपको एचएससी चुन लेना है। अगर आपने हाई स्कूल किया हुआ है तो एसएससी चुन लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पे एचएससी चुन लेता हूं। उसके बाद यहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है, यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, तो यहां पे आपको अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है। देखिए आधार कार्ड नंबर आपको सही से डालना है। दोस्तों आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपने फोटो को अपलोड कर लेना है। जब फोटो आप अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर यह फोटो शो होगा। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ से आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको फिर से एक आईडी प्रूफ देनी होगी। तो यहाँ पे ये तीन आईडी प्रूफ दी गई है, आपको यहाँ से कोई भी एक आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं और पासपोर्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन तीनों आईडी में से जो भी आईडी आप सेलेक्ट करेंगे उस आईडी नंबर को आप यहां एंटर करेंगे। आईडी नंबर देने के बाद यहां पर उस आईडी को यहां से अपलोड करेंगे, यहां क्लिक करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। जो आईडी आप अपलोड करेंगे वो भी यहां पे शो होगी। अब इसके बाद ये एग्जाम पीरियड 2022, इसके बाद आप मीडियम चुनेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे हिंदी रहने देता हूं। इसके बाद सेंटर नेम, तो मैं यहां से चलिए मैं यहां से बिजनौर पे चुन लेता हूं, ठीक है। सेंटर नेम हमने चुन लिया है, अब यहाँ क्लिक करेंगे।
यहाँ से दोस्तों आपको ध्यान ये रखना, देखिए आपके आसपास में भी सीएससी के जो आईआरबीएफ के एग्जाम कराते हैं वो सेंटर होते हैं लेकिन पता नहीं होता है, तो आप यहाँ पर सावधानी से चुने, या तो आप पहले पता कर लिया कि कौन कौन से सेंटर आपके नजदीक है जो कि आईआरबीएफ का एग्जाम ऑनलाइन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के नाम इस प्रकार से मिलेंगे, कोई भी एक नेम यहाँ से चुन लेंगे। चलिए मैं कोई भी एक नेम यहाँ से चुन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ डेट चुनेंगे, इसके बाद यहाँ से टाइम चुनेंगे, जो भी टाइम आप यहाँ से चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, सुबह का समय, दोपहर का, शाम का समय। ठीक है, यहाँ से आप अपने अनुसार जो समय चुनना चाहें चुन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जाम ऑनलाइन देना है, तो इसके लिए जिस समय आप सही से अपने सेंटर पर पहुँच सके उस समय को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। दोपहर का समय चुन लेता हूँ, तो ये सेंटर कोड है, थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है, इस तरह से टिक कर लेना है यहाँ पे, फिर इस कोड नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे। बाई चांस आपके ये कोड नंबर समझ नहीं आता तो आप यहाँ से चेंज इमेज पर क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कोड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू एंड प्रोसीड और पेमेंट पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। आपको अपना बोनस पिन डालकर यहाँ से 900 कुछ रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद ये फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद जो है, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर एंटर की थी उस ईमेल आईडी पर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएंगी। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2 से 3 महीने के बीच में आपको मिलेगा, तो वो आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाएगा, इसलिए आप ईमेल आईडी यहाँ पर सही दें। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। दोस्तों ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जल्दी मिलता हूँ एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।